एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हेयर फॉल क्यों कैसे होता है और सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका हेयर फॉल होता क्यों है। विंटर में मैक्सिमम लोगों के हेयर फॉल होते हैं, इट्स नॉर्मल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, आप टकली हो जाओगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेयर फॉल होता है तो आपका हेयर ग्रोथ भी होता है, ठीक है। तो आपका विंटर में हेयर फॉल क्यों होता है? विंटर में हमारी स्किन ड्राई होती है ना, मैक्सिमम लोगों की होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्किन में मॉइस्चराइजर लगाते हैं। उसी तरह स्कैल्प भी हमारा ड्राई होता है, उसी तरह ठंडी हवा से हमारा हेयर भी ड्राई होता है। तो हेयर में ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। आपको वीक में 2 से 3 बार हेयर को ऑयलिंग करना है, हेड मसाज करना है। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लेना। हेयर ऑयल कैसे लगाना है, मसाज कैसे करना है, प्रोफेशनल तरीके से भी, और आप अपने घर में भी खुद से कर सकते हो। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर लेना। तो ऑयलिंग आपको 2 से 3 दिन करना है, और ऑयलिंग करने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपको ऑयल लेना है, लगाना है, और 1 घंटे बाद हेयर को वॉश कर लेना है। उसको 2 दिन 3 दिन ऐसे छोड़ के नहीं रखना है, ओके। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग ठंडी में पानी पीना बहुत कम कर देते हैं, जिसके वजह से हेयर को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है। तो आपको पानी भी पीना है। आप सुमसुम गर्म पानी पीजिए, लेकिन पूरा 3 से 4 लीटर पूरा पीजिए, जो कि नियम होता है, ताकि आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहे और आपका स्कैल्प भी हाइड्रेटेड रहे। तो पानी भी आपको पीना है। आप अच्छी अच्छी फल खाइए, अच्छी अच्छी सब्जियां खाइए, इससे भी आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। तो वो भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब रीजन है आपका हेयर फॉल होने का। और सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि अगर आप एंटीबायोटिक कुछ मेडिसिन खाते हैं या किसी भी तरीके का कोई मेडिसिन खाते हैं, तो हो सकता है उसके वजह से भी आपका हेयर फॉल होता होगा। और बहुत लोग एक एक सप्ताह छोड़ देते हैं, 7 दिन 6 दिन बाद हेयर वॉश करते हैं, उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। इसलिए वीक में 2 से 3 डेज आपको हेयर वॉश करना जरूरी है। एटलीस्ट 2 डेज तो आपको करना ही है। जावेद हबीब सर बोलते हैं एवरी डे करिए, बट एवरी डे पता है पॉसिबल नहीं है, बट 2 और 3 डेज पॉसिबल है। तो आप अल्टरनेटिव डे पर हेयर वॉश करिए, देखिए आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, आपको अच्छे से पानी पीना है। दूसरा है, आपको अपने हेयर को ऑयलिंग करना है, जैसा कि मैंने बताया। तीसरा, आपको न्यूट्रिशन के लिए अच्छे से खाना खाना है, फ्रूट्स खाना है। चौथा, आपको हेयर वॉश करना है तरीके से। तरीका क्या है वो मैं बताती हूँ। अभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, शैम्पू लेते हैं, उसको ऐसे स्कैल्प में डालते हैं, रब करते हैं, हो गया। इसके वजह से भी हमारा स्कैल्प ड्राई होता है। ड्राई होने की वजह से स्किन में डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ फिर वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। आप देखिएगा स्किन की तरह वो निकलता है। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं स्किन के ड्राई होने की वजह से। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है और स्किन को ड्राई बिल्कुल नहीं होने देना है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा होम रेमेडी का सॉल्यूशन बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है नींबू का रस, आपको लेना है क्यूकम्बर मीन्स खीरे का रस, दोनों का जूस लेना है, क्यूकम्बर जूस, लेमन जूस, दोनों को मिक्स करना है, अपने स्कैल्प में लगाना है, 1 घंटा रखना है, फिर हेयर को वॉश कर लेना है। आप उसको लगाने के बाद भी ऑयलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हेयर को वॉश कर लेना है। अगर आपका इन्फेक्शन है, इचिनेस है, तो आप नॉर्मल लेमन जूस लोगे, उसमें पानी को ऐड करोगे, स्कैल्प में लगाओगे, 1/2 घंटा रखोगे और हेयर को वॉश कर लोगे। तीसरा सॉल्यूशन है एलोवेरा जेल। नेचुरल एलोवेरा जेल लीजिए, अपने स्कैल्प में लगाइए, पूरे हेयर में लगाइए। एज अ कंडीशनर का भी काम करता है और आपके रैसेस को और डैंड्रफ को भी धीरे धीरे खत्म करता है, ठीक है। ये हो गया होम रेमेडी। मैंने 3 होम रेमेडी बताया। चौथा होम रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है, मेथी। आप लोग जानते हो मेथी येलो कलर का होता है, मैं यहाँ पर पिक लगा रही हूँ। मेथी लेना है 8 से 10 दाना, रात को भिगोना है, और आपको मेथी खाना है। आपकी हड्डी भी मजबूत होगी और आपका हेयर फॉल भी कम होगा और हेयर ग्रोथ भी होगा, ठीक है। अभी ये सब हो गया होम रेमेडी। अच्छा, हेयर को वॉश तो करना है, ये मैंने बताया आपको, हेयर को वॉश करना है और हेयर को ड्राई भी अच्छे से करना है। बहुत आप देखिएगा, सुबह विंटर में हम लोग सुबह नहाते हैं, लेकिन शाम हो जाता है, हेयर ड्राई नहीं हो पाता है, जिसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो आप थोड़ा सा नहाने के बाद धूप में रहिए, ताकि आपका हेयर सूख जाए, ठीक है। ये सब मैंने होम रेमेडी बताया। अभी मैं बताती हूँ आपको जो कि रेडीमेड सॉल्यूशन है, जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए है। तो एक है एमिनेक्सिल, ठीक है। एमिनेक्सिल होता है,
ये है एमिनेक्सिल, तो इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, मेरे पास ओल्ड पैकेजिंग है, अगर मैं वो दिखाऊंगी आपको तो समझ अभी मिलेगा नहीं, इसकी न्यू पैकेजिंग आई हुई है। तो ये है एमिनेक्सिल, इसको आपको कैसे यूज करना है वो मैं बताती हूँ, और ये थोड़ा सा कॉस्टली है, मीन्स 3100 समथिंग आता है 90 ml का, और ये 6 वीक्स के बाद आपको रिजल्ट देता है। तो आप अगर होम रेमेडी में नहीं जाना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो। तो इसको कैसे यूज करना मैं बता देती हूँ। आपको सबसे पहले हेयर को वॉश करना है, आप दिन में करो, शाम को करो, जब भी करो, हेयर आपका क्लीन होना चाहिए पूरा। क्लीन हेयर में आपको 4 पार्ट में हेयर को डिवाइड करना है, फ्रंट से 2 पार्ट, बैक से 2 पार्ट, ठीक है। फिर आपको 6 पंप करके चारों कॉर्नर में देना है, और अच्छे से 10 मिनट या 5 मिनट अपने स्कैल्प में मसाज करना है, ताकि फिंगर टिप की हेल्प से जो एमिनेक्सिल सीरम है वो आपके पूरे स्कैल्प में फैल जाए। फिर आपको ओवरनाइट रखना है और दूसरे दिन हेयर को वॉश कर लेना है। ये ऐसा बोलती है, मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा क्लेम करती है, ऐसा आप 6 वीक्स तक करोगे तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। और इस प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ है कि आपको ये हर दिन करना है, मींस आपको एवरी डे हेयर वॉश करना है, बट अगर नहीं पॉसिबल है तो आप अल्टरनेटिव डे पे करिए, लेकिन करिए। तो ये है सॉल्यूशन। होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और 100% ये सब वर्क करेगा, आप ट्राई करके देखिए, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। विंटर है, पतझड़ का मौसम है, पत्ते झड़ते हैं, उसी तरह हमारा हेयर भी झड़ता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। 50 to 100 हेयर अगर एक दिन में हेयरफॉल होता है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जितना कम हो सके उतना अच्छा है। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, आप मोटा कंघी यूज करोगे, ठीक है, मोटा दांत वाला कंघी यूज करोगे, और पूरा टैंगल्स छुड़ाने के बाद आप अपने स्कैल्प में जस्ट ऐसे ऐसे करके 50 to 100 टाइम्स करोगे। इससे क्या होता है, हमारा जो सीबम होता है, हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है जो स्कैल्प में अवेलेबल रहता है, बट वो ऊपर को नहीं आ पाता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर कॉम नहीं करते हैं। आप अगर प्रॉपर कॉम करोगे 50 to 100 टाइम्स वीक डे में, एक दिन में एक बार तो एटलीस्ट आपको करना है, 2 बार करोगे तो बहुत अच्छा है। तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है वो चारों तरफ फैलता है, हेयर ग्रोथ भी होता है, हेयर फॉल भी रुकता है। तो यह इस वीडियो में मैंने जो जो भी रीजन होते हैं मैक्सिमम को मैंने कवर कर लिया है, और सॉल्यूशन जो मैंने बताया है आप करके देखिए, 100% ये वर्क करेगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।